सोचने की कुव्वत दी है। कल्ट फॉलोइंग हराम है, ये जो आप बगैर सोचे समझे लोगों के पीछे चले जाते हैं, इसलिए ये हराम है। आपने अपने अकल को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज एक आज़ाद इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फर्द जुर्म आयद कर दी है, शो कॉज नोटिस दे दिया है, फेडरल गवर्नमेंट को भी इतला दे दी है, और वो जो तमाम इल्जाम थे वो साबित हो चुके हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रजीम चेंज हो। मैं मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे। इमरान खान जो मगरब की मिसालें देता था कि एक मामूली सी बात पे भी उसकी सियासतदान अगर 5 मिनट पार्लियामेंट में लेट आए इस्तीफ़ा देते थे, अगर वो जो भी, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा उनके जो नज़रियाती कारकुन हैं उनके हवाले किया जाए, इमरान खान को इस्तीफ़ा देना चाहिए। इसको अब कोई इसकी वजह नहीं है कि ये इस्तीफ़ा ना दें, और जब तक इसका हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी इंशाल्लाह आ जाएगा, वक्त लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। और साथ ही सर ये बताएं कि साइमन क्लार्क की स्टोरी के मुताबिक ISIB इमरान खान की फंडिंग करवाती रही है, तो आप क्या चाहेंगे कि इस हवाले से भी तफ्तीश की जाए ISI के और जनरल पाशा के मुलव्वस होने के हवाले से? मुझे ज़रा तस्दीक कर दें, मेरा नहीं ख्याल के स्टोरी में ये जिक्र है, पाशा के हवाले से उनका जिक्र नहीं है इस स्टोरी में, नहीं है वो। अच्छा। बाद में कुछ ट्वीट्स हुई हैं, तो इस स्टोरी जहाँ तक फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, देखिए उसने हमारे इल्ज़ाम की सिर्फ तस्दीक की है, और उसमें एक नया पहलू ये सामने लाए हैं कि जो एफिडेविट इमरान खान ने आरिफ नकवी की तरफ से जमा कराया वो झूठा था। आरिफ नकवी ने अपने एफिडेविट में ये दावा किया कि ये तमाम पैसे वुटन क्रिकेट के 2.1 मिलियन ये पाकिस्तानी शहरियों से जमा किए और पाकिस्तानी कंपनियों या किसी पब्लिक, मैं समझता हूँ कि उस स्टोरी में साबित किया है कि अबराज की तरफ से फंडिंग हुई है, अबराज की तरफ से फंडिंग हुई है, और दूसरा ये कि और ये कि एक अरब शेख ने फंडिंग की है। अब इमरान खान पे ये लाजिम है कि अगर वो समझते हैं ये स्टोरी झूठी है तो बरतानिया में इसको अदालत में चैलेंज करें, या तो वो हर बात पे इलेक्शन कमीशन में आ जाता है। वो तो मैंने दे दिया आपको जवाब। देखिए जहाँ तक दूसरी जमातों का ताल्लुक है, मैं ये वाजे कर दूँ, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि जब आप एक हमने रोल मॉडल बनना था, जब ये कानून